चलेंगे दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी लोग का इस बार सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी बच्चों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे की क्वार्टर एंड नकल ज्वाइंट में, तो मैंने बताया था आपको क्वार्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जैसे आपका जो आइसोमेट्रिक आइसो और आर्थोग्राफी से क्वेश्चन देता था ना, कि जो आपकी असेंबली ड्राइंग है, असेंबल ड्राइंग है, उसको आप लोग डिसेंबल कर दीजिए, मतलब खोल दीजिए है ना, या तो डिसेंबल ड्राइंग है उसको आप लोग असेंबल कर दीजिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें भी दे रहा है। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके कि आपका की था है ना, इसके पहले आपका नट बोल्ट था, तो वो तो थोड़ा सा इजी चैप्टर भी था कि आपने फ्री हैंड स्केचिंग उसको बनाया और बनाने के बाद खत्म, बनाने के बाद उसके डायमेंशनिंग किया और वो टॉपिक आपका खत्म हो गया। लेकिन इसमें जो की क्वार्टर है, इसके बाद आपका नकल ज्वाइंट है, वो भी आपका डिसेंबल करके देगा, उसको आपको असेंबल करना है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हमारे पुराने बच्चों का जो कि अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार प्लीज कमेंटमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं तैयार हैं, फिर मैं अपने इस क्लासेस को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे कि और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और जो हमारे नए बच्चे हैं दोस्तों उनका भी दोस्तों मोस्ट वेलकम है हमारे क्लासेस पे, ऑनलाइन क्लासेस पे उनका मोस्ट वेलकम है रेशमा सेमेस्टर पर। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों जो हमारा टॉपिक था की क्वार्टर एंड नकल ज्वाइंट का, तो उसमें कल मैंने कुछ आपको उसके पार्ट पुर्जों के बारे में बताया था, कुछ पार्ट पुर्जों के बारे में उससे मैंने आपको बताया था, कुछ उसके पार्ट पुर्जे मैंने आपको दिए हुए थे। मैंने बताया था कि उसको आपको क्या करना है, उसको असेंबल करना है दोस्तों। तो देखेंगे, अभी कुछ लेट क्लासेस चालू हुई तो मैं एक फिगर बना के रखा हूं ऑलरेडी। देखेंगे, एक आपका ये फिगर है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे असेंबल करना है। क्या करना है, असेंबल करना है, देख लीजिए चित्र को, देख लीजिए ये आपका क्या है, एक प्रकार का असेंबल इसको करना है दोस्तों। ठीक है, एंड इसकी जो डायमेंशनिंग है वो मैं कर देता हूं, इसको कहते हैं एस बी। ठीक है, और इसको एल एस बी, एल एस बी। ठीक है, थ्री डी ये हो गया 1.4D। ठीक है, इसको डी, ये क्या हो गया डी, वन पॉइंट फाइव सेवन डी। ठीक, वन पॉइंट टू डी, वन पॉइंट टू डी, इसको इतना ही भाग है, 0.5D। ठीक है, इसको दर्शाते हैं 2.4D से, टू पॉइंट फोर डी, इसको डी से, इसको
1.4D, डी इसको दर्शाते हैं 1.4D से और इसको डी से, इसको डी से यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसको क्या करना दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इस पॉकेट एंड सॉकेट ज्वाइंट के विवरण दर्शाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, स्पॉकेट एंड सॉकेट ज्वाइंट के डिटेल्स हैं, ज्वाइंट के डिटेल्स डिटेल्स दर्शाए गए हैं दर्शाए गए हैं, ठीक है। इन्हें असेंबल कर एलिवेशन, अपर हाफ इन सेक्शन प्लान तथा साइड व्यू दर्शाइए, ठीक है। इन्हें असेंबल कर बता रहा है, इन्हें यही क्वेश्चन लिख देता हूं, इन्हें असेंबल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन्हें असेंबल करके, ठीक है। एलिवेशन अपर हाल्फ मतलब फ्रंट, एलिवेशन अपर हाल्फ, ठीक है, अपर हाल्फ, ठीक है, इन सेक्शन, इन सेक्शन, ठीक है, प्लान तथा साइड व्यू दर्शाइए, कॉमा, प्लान तथा साइड व्यू दर्शाइए। आप देखेंगे ये क्वेश्चंस है आपका, मैंने क्वेश्चन साइड में लिख दिया मित्रों, ठीक है। ये आपका तीन चीजें हैं, ये आपका सेक्शनल व्यू बता बता रहा है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपका स्पॉकेट है, ये आपका सॉकेट है, ये आपका क्वार्टर है, ये तीन चीजें हैं। तीनों को मुझे क्या करना है, तीनों को मुझे असेंबल करना है, जैसा कि इसकी भी डायमेंशन है, लिख देता हूं मैं डायमेंशन इसकी, अब इस सॉकेट हटा देता हूं, ये हो गया 3.12D, 3.12D, ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का सॉकेट हो गया, इसको देखेंगे। तो ये आपका एक प्रकार का क्या हो गया, असेंबल, इसको मुझे असेंबलिंग करना है दोस्तों। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक नंबर 6 का क्वार्टर जो है ज्वाइंट ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नकल ज्वाइंट भी चलेगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लेंगे बेहतर तरीके से। आज थोड़ा क्लासेस लेट स्टार्ट हुई है, तो एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे। हमने ऑलरेडी इसका लिखा हुआ है हर चीज, यहां असेंबलिंग मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना, असेंबली करना है, इसको मुझे असेंबली करना है। पहले असेंबल करेंगे तब तो टॉप व्यू और साइड व्यू को दर्शाएंगे, है ना। पहले मुझे क्या करना है, इसकी असेंबली को दर्शाना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर या फिर
आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन जो है रहेंगे, एक आपका सॉकेट है, एक आपका क्वार्टर है, आपका स्पिगेट है, एक आपका सॉकेट है। यहाँ क्वेश्चन बता रहा है, ध्यान देंगे, सॉकेट सॉरी स्पिगेट एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के डिटेल दर्शाए गए हैं। बिल्कुल, ये आपके डिटेल्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं, तीन फिगर आपके सामने बना हुआ है। इन्हें असेंबल करके जब इनको ज्वाइंट करेंगे, तीनों को असेंबल कर देंगे, मतलब आपका सॉकेट लगा देंगे, स्पोकेट लगा देंगे और आपका क्वार्टर लगा देंगे, ठीक है। इन्हें असेंबल करके एलिवेशन अपर हाफ इन सेक्शन, ठीक है, मतलब इसकी सेक्शनिंग की गई है एलिवेशन में। प्लान तथा साइड व्यू को मुझे क्या करना है, दर्शाना है। इसके प्लान और साइड व्यू को मुझे क्या करना है, दर्शाना है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक प्रकार से असेंबली बन गई। अब इस असेंबली को मुझे क्या करना है, पहले ज्वाइंट करना है। तो इसको ज्वाइंट हम कैसे करेंगे, अब इसके आंसर को मुझे देखना है, ठीक है। अब इस असेंबली को मुझे क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो इसके आंसर को देखेंगे आगे वाले पेज में। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। देखेंगे ड्राइंग है तो भाई टाइम लगेगा ड्राइंग को बनाने में, बोर नहीं होना है, उबना नहीं है, ठीक है। ड्राइंग का सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी ड्रा करोगे तो आपको भी टाइम लगेगा, मेजर करके ड्रा करोगे तो। बहुत लड़के कमेंट करते हैं सर टाइम बहुत लग रहा है। तो देखेंगे यहां मुझे क्या करना है, असेंबल करना है, ठीक है। असेंबल मुझे इसको करना है। अच्छा ठीक है, तो इसको असेंबलिंग करना है। तो असेंबलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं देखेंगे, इसी ड्राइंग का ध्यान देंगे, जो लड़के अभी देख रहे थे, इसी ड्राइंग का मुझे इसको असेंबलिंग करना है, ठीक है। ये क्वार्टर लग गया, टेपर क्वार्टर होता है, ठीक है। ये आपका टेपर होगा, ये हो गया, ठीक है, क्वार्टर लग गया। ये हो गया, ठीक है, ये
ठीक है, बने रहिएगा साथ में। थोड़ा सा ड्राइंग को बनाने में दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन ये आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ये असेंबली हो रही है। ये इसका असेंबली हो गया दोस्तों, देख रहा हूं।
ये हो गया दोस्तों, देख रहे हो, ये आपका एक असेंबली सिस्टम हो गया, जिस तरीके से मतलब ये बनाया हुआ है। ये हो गया आपका असेंबली सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी असेंबली भी आसानी से हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक प्रकार से डिटेल्स ड्राइंग है, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, इसकी असेंबली सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसके टॉप व्यू को बनाना है, जैसे राइट साइड व्यू, तो ये आपका बन के तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके टॉप व्यू को बनाना होगा, तो देखेंगे इसके टॉप व्यू को कैसे बना सकते हैं। हाफ सेक्शन, ठीक है, ये जो हाफ सेक्शन व्यू के बारे में यहाँ बताया हुआ था प्रीवियस में, चलते हैं देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस बताया हुआ है, असेंबल करके एलिवेशन अपर हाफ इन सेक्शन बता रहा है ना, एलिवेशन अपर हाफ इन सेक्शन। तो ये जो फिगर बनेगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है, हाफ इन सेक्शन का, हाफ सेक्शन, ठीक है, फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। एंड ये इसके नीचे ये हो गया आपका राइट साइड व्यू। आप देखेंगे इसका टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा। ये हो गया, ये हो गया। छोटी, ये हो गया, और ये हो गया, ये देख रहा हूं। ये सेंटर लाइनें हो गई, देख रहा हूं दोस्तों। तो ये इसका बना क्या टॉप व्यू, ठीक है। अब इसकी डाइमेंशनिंग अगर आपको करना है तो कर सकते हो, इसकी टोटल डाइमेंशनिंग। यहां दर्शा दोगे 2.4D, 2.4D, ठीक है, 1.6D, 1.6D, ठीक है।
यहाँ पे 4D से दर्शाओगे इसको, ये पूरा ऊपर से ये पूरा नीचे तक का डाया जो है दर्शाओगे 4D, 4D डायमेंशनिंग है, ठीक है। ये डी के नाम से इसको दर्शाना है, इसको दर्शाना है तो 0.4D, 0.4D, ठीक है। वन पॉइंट टू डी इस तरीके से, ठीक है, ये दर्शाना है तो 0.5D, ओके इस तरीके से दर्शाओगे, ये भी दर्शा दो 0.5D के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका एक प्रकार से असेंबली, ठीक है, ये आपका असेंबली बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको दर्शा दो, जीरो पॉइंट फोर डी यही है आपका क्वार्टर, ठीक है। ये बन गया आपका राइट साइड व्यू, ये क्या बन गया आपका राइट साइड व्यू, ठीक है। ये बन गया हाफ सेक्शन, हाफ सेक्शन एलिवेशन, ये बन गया आपका टॉप व्यू, ये बन गया आपका टॉप व्यू, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ चीजें छूटी हैं, इसको भी कंप्लीट करना है। ये हो गया 3.12D, इसको दर्शाना है, दर्शा दीजिए। थ्री पॉइंट वन टू डी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या बन गया, एक प्रकार से असेंबलिंग सिस्टम इसका ये बन गया। ये क्या था, एक प्रकार से असेंबल ड्राइंग है, ठीक है। ये बन गया आपका, ये आपका डिटेल्स था यहाँ पे, इसको असेंबल के लिए कह रहा था, ठीक है। और इसको जो है डिटेल्स लिख देते हैं, ये आपका डिटेल्स हो गया, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, असेंबली हो गया, ये आपका असेंबली, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका बन करके कंप्लीट हो गया असेंबल ड्राइंग, देख रहा हूँ किस तरीके से क्वार्टर के भागों को किया गया है। और भी बेहतर तरीके से बना सकते हो इसको, ध्यान देना, ये नहीं कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं या यही करके चले आए, जितना आपका हाथ क्लियर होगा उतना जो है आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हो दोस्तों। देख रहे हो टाइम जो है बनाने में कितना लग रहा है, जब भी मेजर करोगे, इसलिए मैं ऑलरेडी बता देता हूँ सभी मतलब लोगों को, सभी अपने स्टूडेंट्स को, कि ये जो है एक प्रकार की ऐसी ड्राइंग है कि इसमें आपका टाइम लगेगा। चाहे आप जैसे आइसोमेट्रिक आर्थोग्राफी को मिलकर के बनाओ, दोनों ड्राइंग को मिलकर के बनाओ, जहां आपको असेंबली भी बनाना हो और जो टोटल डिटेल्स को भी बनाना हो, तो उसमें आपका ड्राइंग डेफिनेटली, उसमें आपका टाइम जो है डेफिनेटली लगना ही लगना है। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये तो समझाना था, इसलिए इसको मैं जैसे तैसे खींच दिया, ठीक है।
नहीं तो इसको और भी बेहतर तरीके से मैं बना सकता था। नहीं तो हम ही लोग के बीच के लड़के कहते हैं सर टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सर, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, हमसे ज़्यादा टेंशन आप ही लोग को हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों देखेंगे ये ड्राइंग आएगा, आता है तो आपको जो है इस तरीके से इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कल भी आपको दो ड्राइंग बताया था इससे। ठीक है, अगली बात हम लोग करेंगे नक्कल ज्वाइंट की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, अगली बात करेंगे हम लोग नक्कल ज्वाइंट की। नक्कल ज्वाइंट या ठीक है पिन ज्वाइंट, आप देखेंगे नक्कल ज्वाइंट भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, इसका अगर हम इंट्रो लिखें इंट्रोडक्शन लिखें तो नक्कल ज्वाइंट भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, नक्कल ज्वाइंट भी एक प्रकार का ज्वाइंट सिस्टम हो जाता है, एक प्रकार का क्या हो जाता है ज्वाइंट सिस्टम हो जाता है नक्कल ज्वाइंट। ठीक है, जहां पे दो राडों के बीच में एक पिन फंसा दी जाती है। अब पिन जब फंसाई जाएगी तो यह जर्किंग सिस्टम में या तो टेंशन को भी आसानी से अपने ऊपर क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो इस जोड़ की सहायता से दो ऐसी शाफ्टों को जोड़ा जाता है, जैसे शाफ्ट का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपका सिलिंड्रिकल राड होता है। अब शाफ्ट जो है कई शेप में हो सकते हैं, जैसे जोड़ने के आधार पर, जैसे बहुत से शाफ्टों को हम लोग कपलिंग के भी माध्यम से जोड़ते हैं, जहां पे दो घुमावदार, जहां पे शाफ्ट की लंबाई हमें बढ़ानी हो तो वहां पे हम लोग कपलिंग के भी माध्यम से शाफ्ट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, कपलिंग एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जहां पे दो घुमावदार पार्ट्सों को आपस में जोड़ा जाए, दो पार्ट्सों को आपस में जोड़ दिए, एक शाफ्ट शाफ्ट हमारी लेफ्ट साइड से आ रही है, एक शाफ्ट हमारी राइट साइड से आ रही है, दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों के ऊपर एक गोलाकार युक्ति लगा करके और दोनों को नट बोल्ट से मैंने क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया। तो यहाँ पे शाफ्टों से मतलब है, तो शाफ्ट आपके कंट्रक्ट मतलब बनावट के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे ये एक शाफ्ट होता है जिसपे हम लोग हैंडल रख के, हैंडल मतलब पहिया को रख करके हैंडल मार के उसको घुमाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का शाफ्ट है, तो वहां जैसा यूज वैसा शाफ्ट। ठीक है, एक शाफ्ट होता है जहां पे हम लोग कपलिंग को जोड़ते हैं, तो वहां पे जैसा यूज वैसा शाफ्ट हो गया। ठीक है, एक शाफ्ट हमारा ऐसा होता है जिसको कि हम लोग दो शाफ्ट को ऐसा कंट्रक्शन करते हैं, दोनों को ऐसा, एक शाफ्ट उधर से लेके आएंगे, एक शाफ्ट इधर से लेके आएंगे, दोनों का दोनों कैसा होगा, राउंड में ही होगा, लेकिन जो उनका जो मुख होगा, मुंह जो होगा वो बिल्कुल ही खुला हुआ रहेगा, और दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, पिन को फंसा देते हैं। ठीक है, उसको दोनों का जो मुंह होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई इंड, मतलब आई का मतलब क्या होता है, आंख। आंख कैसी होती है हमारी, होल, मतलब एक प्रकार से गोलाकार शेप में होती है, तो दोनों के होल में हम क्या करते हैं, पिन को फंसा देते हैं, इसी का नाम हो जाता है आपका नक्कल ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट, नक्कल ज्वाइंट बोल दीजिए या तो पिन ज्वाइंट इसको आप लोग बोल दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इस जोड़ की सहायता से दो ऐसी शाफ्टों को जोड़ा जाता है जिन पर तनाव बल मतलब टेंसाइल फोर्स कार्य करता हो, जैसे कि टेंसाइल फोर्स तो हर जगह काम करेगा, जहां पे आपकी खिंचाव शक्ति हो वहां पे हर जगह काम करेगा, कहीं पे ज्यादा काम करता है, कहीं पे कम काम करता है। अब यहां की बात करें प्रीवियस में, अब इस जोड़ की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर ज्वाइंट, तो इसको हम लोग क्वार्टर के माध्यम से दो शाफ्टों को, दो ये देखेंगे एक शाफ्ट ही है ये, दो छड़ एक इधर से आई है एक इधर से आई है, दोनों के स्क्वायर होल में मैंने क्या कर दिया, पिन को फंसा दिया है। ठीक है, देख रहे हो ये, और थोड़ा पीछे चलोगे तो ये चीजें हैं। ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में फंसा दिया है। ठीक है, क्वार्टर को फंसाया है, तो क्वार्टर मतलब कैसा है, टेपर है, तो टेपर का क्या महत्व होता है, टेपर भी आपके जर्किंग सिस्टम को मतलब अपने ऊपर ले सकता है, जहां पे आपका जर्क लगेगा उसको अपने ऊपर यह ले सकता है, और मतलब इसका जोड़ जो है इतना आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि भाई यह टेपर है। ठीक है, और टेपर का ज्वाइंट का अपना जो है महत्व होता है, उसी प्रकार से आपका क्या हो जाता है, उसी प्रकार से आपका हो जाता है नक्कल ज्वाइंट, मतलब जोड़ने के आधार पर है, जैसी उपयोगिता वैसा आविष्कार, है ना, एंड वैसा हमारा सिस्टम जोड़ने का। ठीक है, तो नक्कल ज्वाइंट का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे दो शाफ्टों के ऊपर एक प्रकार से टेंसाइल फोर्स ज्यादा काम करता हो। ठीक है, गाइडों का प्रबंध होने से इस जोड़ की सहायता से कंप्रेसिव फोर्स भी ठीक है ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब गाइड का काम इसमें कौन कर रहा है, जैसे कि अगर
दो शाफ्ट के बीच में होल कर दिया गया, उसके बीच में पिन को क्या कर दिया गया, फंसा दिया गया। अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस में चले जाएंगे दोस्तों, तो फिर आपके कल की क्लासेस में ही इसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि तो ड्राइंग है। ठीक है, तो जो आपकी जो गाइड का काम कौन करता है, पिन करता है, गाइड का काम हमारा पिन करता है। तो उस पिन की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको जब पिन जब हम फंसा देंगे दो शाफ्टों के होल में, मतलब आई इंड जिसको बोलते हैं, जब फंसा देंगे तो कितना भी जर्किंग लगेगा, कितना भी टेंसाइल इंटरेस्ट लगेगा, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, देखोगे किसी चीज को खींचने में, किसी चीज को खींचने में। जैसे एक बार देखोगे वहां पे जो रेलवे का जो वैगन वगैरह होता है, रेलवे का डिब्बा देखे होगे, तो एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे में पहले हम लोग ऐसे स्क्रू के माध्यम से ऐसे जोड़ देते थे, पहले का जो सिस्टम था इस तरीके से था, ये एक को ऐसे घुमा दिया, एक को ऐसे घुमा दिया, एक इस तरह से जुड़ गया। अब क्या करते हैं, अब एक ऐसा स्क्वायर होल होता है उसको ऐसे फंसा करके ऊपर से पिन को फंसा देते हैं, तो स्क्रू के या बोल्ट के द्वारा हम लोग टाइट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जर्क लगेगा तो उसको ये क्या करेगा, सहन करेगा। ऐसे भी आपकी जर्किंग आपकी जो है गाड़ियों वगैरह में या फिर रेलवे वगैरह में ज्यादा होती है। ठीक है, इस जोड़ में कोणीय विस्थापन कुछ भी कुछ सीमा तक संभव होता है। कोणीय विस्थापन का मतलब एंगुलर, एंगुलर जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर कोई चीज कोणीय विस्थापन इस एंगल में गया, इस एंगल में गया, यहां गया, वहां गया, तो मतलब कुछ सीमा तक इसको मतलब हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर आपका टेंसाइल है, जहां पे आपकी जर्किंग सिस्टम हो रही है, ठीक है, वहां पे हम लोग इस चीज को भी क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालगाड़ी वगैरह में या तो आपकी पैसेंजर वगैरह में या तो एक्सप्रेस वगैरह में ये सिस्टम आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इस जोड़ को आसानी से खोला भी जा सकता है, जैसा कि पिन है तो पिन को हम लोग आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और पिन को हम लोग आसानी से इसको असेंबल भी कर सकते हैं और डिसेंबल भी कर सकते हैं। जैसा पिन होता है तो पिन आपकी टेपर भी होगी और आपकी पैरेलल भी होती है। ठीक है, तो जो नक्कल ज्वाइंट होता है एक प्रकार के ज्वाइंट का सिस्टम होता है, जहां पे दो शाफ्टों के आई इंड में, है ना, आई इंड में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग राड को फंसा देते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से कहा जाए तो इस जोड़ की सहायता से दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी दो शाफ्टें जुड़ेंगी इसमें, जैसा लड़के करते तो सर लिखवाते नहीं है, बोल तो दिया, बोल दिया, बुक है उससे पढ़ोगे, कुछ यहां पे क्लू ले लोगे हमसे, कुछ हिंट अप ले लोगे जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दो शाफ्टों को, ऐसी दो शाफ्टों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, लॉकिंग डिवाइस है ये भी एक प्रकार की, एक प्रकार का ये क्या है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट है। अब इस ज्वाइंट में क्या क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस को सहन कर सकता है। दूसरे में कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर सकता है। तीसरे में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी इसमें व्यवस्था बढ़िया होती है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी यह काफी हद तक मतलब इसमें समायोजित किया जा सकता है। तो बात अगर करें ज्वाइंट की, तो है तो ज्वाइंट ही, लेकिन ज्वाइंट्स के जो बेनिफिट्स हैं, इसके हर एक ज्वाइंट्स का अपना अपना बेनिफिट्स होता है। जैसे आपका जो नट बोल्ट का जो ज्वाइंट्स होता है, तो उसमें ये कंप्रेसिव और टेंसाइल की व्यवस्था उसमें नहीं होती, हल्का फुल्का जर्किंग सिस्टम, हल्का फुल्का लोड तो ले सकता है, अगर वाशर लगा देंगे तो थोड़ा सा और भी ले लेगा। लेकिन अगर ज्वाइंट की बात करें, जहां पर एक चीजें, ज्वाइंट कहाँ पे होता है, जहां पे एक चीज से दूसरे को बांधना होता है, वहां पे क्या हो जाता है, एक प्रकार का ज्वाइंट हो जाता है। तो ज्वाइंट का जो सिस्टम होता है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस का और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस का एंड आपका एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये चीज इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपके ज्वाइंट्स में, ये आपका एक प्रकार का ज्वाइंट्स होता है, एंड इसकी जो एडवांटेज क्या क्या होती है, एडवांटेज में लिख सकते हैं, इसके जो एडवांटेज हैं, एडवांटेज में देखेंगे, ये लिख दो, टेंसाइल स्ट्रेस की सुविधा इसमें होती है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस कोई खिंचाव शक्ति को भी आसानी से सहन कर सकता है। दूसरे में कंप्रेसिव स्ट्रेस को, कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी आसानी से
जो है सहन कर सकता है। तीसरे में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी मैनेज कर सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी यह क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है। एंड इसको असेंबल और डिसेंबल करना भी आसान है, इसके एडवांटेज में ये भी तो हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि बुक पढ़ो बुक को रट लो, है ना, बस टेक्निकल में थोड़ी थोड़ी चीजें जानोगे ना तो ऑटोमेटिक आप डेफिनेशंस को लिख सकते हो, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, इसमें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब खिंचाव शक्ति को, और कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और इसमें जो है जर्किंग सिस्टम का मतलब, इसमें जर्किंग सिस्टम जो होता है बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है, वही बता रहा है आपका। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, काफी सीमा तक इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसका जो यूज होता है ना, वो स्टीम इंजन में यूज, स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन में इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है, जहां कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन रॉड को जोड़ने में, ठीक है, घूर्णन गति परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जहां इसका यूज होता है स्टीम इंजन में होता है। अब स्टीम इंजन से मतलब क्या है, आप चले जाओगे भाप इंजन में, किसमें घुस गए, भाप इंजन में, जिसने जेम्स वाट ने जो भाप इंजन का सबसे पहले इसका मतलब उन्होंने आविष्कार किया था, तो स्टीम इंजन में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, ठीक है। उसमें आपकी जर्किंग भी ज्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जो है आपका ज्यादा है, ठीक है, तो इसका यूज स्टीम इंजन में काफी ज्यादा किया जाता है, जहां पे कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड का मतलब क्या होता है, जो कनेक्ट करती है, एक प्रकार की शाफ्ट ही उसको मान लोगे, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है, पिस्टन रॉड हो गया, सिलेंडर होता है उसमें आपका पिस्टन भी होता है, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। इस यूज है स्टीम इंजन में, हिंदी में लिख देता हूं, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड को जोड़ने में, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, समझ गया ना। इसका यूज जो है दो या दो से अधिक राडों को भी आपस में जोड़ने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, दो या दो से अधिक राडों को भी आपस में जोड़ने से, दो या दो से अधिक शाफ्टों को भी आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका नक्कल ज्वाइंट और आपका पिन ज्वाइंट्स में, ठीक है, टू या थ्री ये मैंने लिख दिया अपनी भाषा में, टू और थ्री फोर रॉड की असेंबली में भी इसका यूज किया जाता है। तो जहां पर आपको जैसे ये चीज मैं जो लिख रहा हूं बुक से थोड़ी सी अलग है, लेकिन तैयारी के पर्पज से बहुत ही बेहतर है। जहां पे स्टीम इंजन में कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड को जोड़ने में किया जाता है, टू और थ्री और फोर रॉड असेंबली में भी इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि जहां पे दो या दो से अधिक रॉड को आपस में जोड़ना है उसके लिए भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कल की डेट में इसका फिगर भी बना देंगे और किस तरीके से मतलब इसका यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नेक्स्ट क्लासेस की भी टाइमिंग हो चुकी है आपकी, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही है ना। और इस चीज का ध्यान देना कि ये चीज में अगर किसी को कोई किसी लड़के को कोई कंफ्यूजन होगा कि कैसे जोड़ना है, ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करेगा। जैसे कुछ फिगर जो आपका बन रहा है सेक्शन का फिगर, वो थोड़ा अलग बना हुआ है, ठीक है, और जो कुछ फिगर इसका जो बन रहा है ना, बिल्कुल एक ही तरीके से बन रहा है। तो जहां पर हमको तीन सिस्टम को जोड़ना हो, जैसे ये हमारा तीनों सिस्टम हो गया, तो तीनों सिस्टम आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे तीनों
तीनों सिस्टम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उन्हीं तीनों सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर कल की डेट में मिलते हैं दोस्तों। तो ये जो आपका नक्कल और पिन ज्वाइंट है, जैसे इसका जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो गया, एक प्रकार का ज्वाइंट है। ठीक है, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को, कंप्रेसिव स्ट्रेस को एंड आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है इस पर। और जहां पे दो साफ्टों को या दो से अधिक साफ्टों को आपस में जोड़ा जाए, अगर ये तीनों चीज अगर आपके पास है, एडवांटेज है इसके, लाभ और इसके यूजेस है, तो इसका डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हो। बाकी तो आपके पास ड्राइंग है ही, बाकी जो है आपके पास ड्राइंग तो है ही, ड्राइंग के माध्यम से आप इसमें और भी चीज चाहोगे तो बिल्कुल बेहतर तरीके से लिख सकते हो दोस्तों। अभी जैसा कि आपका नेक्स्ट क्लासेस का टाइम हो गया मैकेनिक्स का, आज थोड़ी क्लासेस लेट चालू हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, कल की क्लासेस में मिलेंगे। एक बार जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लासेस में आपको टाइमली एंड पंचुअलिटी, उसी जोश उसी उत्साह के साथ। एंड इस चैप्टर को कल की डेट में मैं कोशिश करूंगा कि इसको कल की डेट में खत्म करके नया टॉपिक रिवेट से चालू किया जाए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कोर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट भी कराना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लासेस में। हमारे को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।